गुड मॉर्निंग। आज अपन इक्विसिटम के बीजाणु उद्भिद पादप के प्रकंद की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा के व्याख्यान में बताया था, इक्विसिटम का प्रचलित नाम हॉर्स टेल है, इसे पाइप्स भी कहते हैं, स्कोरिंग रशेस भी कहते हैं, और यह आर्टिकुलेटेड प्लांट है। टेरिडोफाइट प्रभाग के अंतर्गत इक्विसिटम आता है। पिछले व्याख्यान बताया था कि इक्विसिटम की 13 जातियां विश्व में पाई जाती है, उसमें से मात्र एक जाति राजस्थान में पाई जाती है, और इसका मुख्य पादप इक्विसिटम का मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद होता है। बीजाणु उद्भिद पादप के 3 मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना एवं पत्तियां, और यह एक लघु पर्णी टेरिडोफाइट है क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती है और तना बड़ा होता है। पिछली कक्षा में हमने इसके जड़ की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था, आज अपन परकंद के बारे में स्टडी करेंगे। परकंद अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसे हम वापस बता देते, थोड़ा बीजाणु उद्भिद पादप, इसके 3 भाग होते हैं, जड़, तना व पर्ण। इसमें तना जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है वाईवीय पर्रो कह सकते हैं, वाईवीय पर्रो, और एक होता है भूमिगत तना। भूमिगत तने को हम कहते हैं परकंद, और अंग्रेजी में कहते हैं राइजोम। वाइवीय पर्रो के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है पर्व, और पर्व संधियां स्पष्ट दिखा जाती है, तो हम एक तो इसकी पर्व से सेक्शन काटेंगे, पर्व और पर्व संधि। इसे हम कहते हैं इंटरनोड, और ये होता है नोड। तने पर सुस्पष्ट पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, जैसे देखिए मैंने पिछली बार इसका पूरा चित्र बनाया था, इसमें एक पार्ट दिखा देता हूँ, ये जैसे तना है, ठीक है ना, और ये भूमिगत तना है, तो ये इसका कहलाता है इंटरनोड, ये इंटरनोड है, ये नोड है और ये इंटरनोड है। जैसे ये देखिए, ये नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है, और ये भी नोड है, तो नोड से नीचे की ओर तो जड़ें उत्पन्न होती है, और इसकी जड़ें अपस्थानिक प्रकार की होती है, ये ऊपर की तरफ जा रहा पर्रो, इसे कहते हैं वाइवीय पर्रो, और ये वाला जो तना है, ये वाला जो तना दिखाई दे रहा है, ये भूमिगत है, ये मिट्टी के नीचे पा जाता है, बिलो द सोइल सरफेस, इसे हम कहते हैं राइजोम। तो पहले ये राइजोम पोर्शन आएगा, और फिर नोड से भी हम सेक्शन काटेंगे, और ये 2 नोड के बीच का जो स्थान है, इसे कहते हैं इंटरनोड। तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि इक्विसिटम वंश का मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद है, और बीजाणु उद्भिद पादप 3 मुख्य भागों में बटा रहता है। आप इसे नोट करते रहो, इक्विसिटम वंश का मुख्य पादप बीजाणु उद्भिद है। बीजाणु उद्भिद पादप के 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला भाग है जड़, दूसरा भाग है तना, और तीसरा भाग है पर्ण। जड़ें अपस्थानिक प्रकार की होती हैं, ये जड़ का काम खत्म हो गया,
फिर आता है तना, ये तने का क्लासिफिकेशन ये रहा कि तना जो है एक तो होता है वायवीय तना, तने के साथ कई सारे पर्ण और भी शाखा कलिकाएं वगैरह लगी रहती है, जब ये सारे भाग लगे हुए रहते हैं तब वो कहते हैं पर्रोह। जब तने में से हमने पर्ण हटा दिया केवल तना है तो उसे केवल वायवीय तना कहेंगे। तो पर्रोह और तने में यह मुख्य अंतर है, पर्रोह मतलब तने में जो लेटरल भाग है वो भी हैं, तब है वायवीय पर्रोह। तो ये वायवीय पर्रोह ये वाला ऊपर की तरफ, इसमें पर्ण भी होती है, शाखा कलिकाएं भी होती है, और कुछ पर्रोह के शीर्ष पर जनन के समय शंकु का निर्माण होता है, शंकुओं का निर्माण होता है। तो ये वायवीय पर्रोह है और ये भूमिगत तना है, इसे हम कहते हैं प्रकंद और राइजोम। वायवीय पर्रोह को हम पर्व संधि और पर्व में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम जब इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो इन भागों का क्या करेंगे, हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे, अनुप्रस्थ काट, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसवर्स सेक्शन। अनुप्रस्थ काट काटने के बाद हमें इसका आंतरिक संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन काटेंगे इंटरनोड का, टीएस ऑफ इंटरनोड, उसके बाद आएगा टीएस ऑफ नोड, तो ये तो हो गया वायवीय पर्रोह। इसके बाद हम राइजोम का सेक्शन काटेंगे, तो ये आ गया टीएस ऑफ राइजोम। ये हमारा सिस्टमेटिक प्लानिंग है स्टडी का। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पर्व की आंतरिक संरचना, आप बैठी डालेंगे पर्व की आंतरिक संरचना। पर्व की आंतरिक संरचना, वायवीय पर्व की आंतरिक संरचना, क्योंकि पर्व वायवीय है तो वायवीय पर्व। और ये किसका भाग है, ये है तने का भाग, तना, वायवीय तना, वायवीय पर्व की आंतरिक संरचना। अनुप्रस्थ काट काटने के बाद इसकी बाह्य रूपरेखा लहरदार होती है। बाह्य रूपरेखा कैसी होती है, लहरदार, जो कई खांचों और उभारों में बटा रहता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। इस तरह इसके बाएं रूपरेखा दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं उभार या रिज।
और ये जो दिखाई दे रहा है दो उभारों के बीच, ये भी रिज है, दो उभारों के बीच में खांस दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं ग्रू। ग्रू ग्रूव है। इस प्रकार इसकी बाह्य रूपरेखा कैसी होती है? लहरदार, वेवी, तरंगित होती है, जिसमें कई उभार और खांच पाए जाते हैं। उभारों के नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है, जिसे कहते हैं अस्क्लेरन काइमा। अस्क्लेरन काइमा कहते हैं, तो अस्क्लेरन काइमा का बना होता है। इसके बाद इसमें कोर्टेक्स भाग शुरू होता है और मध्य भाग में रंब पाए जाते हैं, मतलब आंतरिक रूप से इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं, बाहरी भाग अधिचर्म, वलकुट व अस्टील, तीन मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए बाहरी भाग है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है एपिडर्मिस पे। तो ये एपिडर्मिस है, थिक क्यूटिकल भी होती है और खांचों में स्थित रंध्र पाए जाते हैं। खांचों में स्थित रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र सनकेन प्रकार के होते हैं, यानी गड्ढों में स्थित होते हैं। इसके रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं, जैसा कि उच्च श्रेणी के पादपों में आपने देखा कि रंध्र दिन में खुल जाते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। लेकिन इक्विसिटम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके रंध्र ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहते हैं, बंद ही रहते हैं। रंध्र का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है। ऊपरी दो कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है, इसके नीचे दो कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं कहलाती है। ऊपरी जो सहायक कोशिकाएं हैं वो ऊपर वाले कक्ष को बनाती है, और द्वार कोशिकाएं जो नीचे है वो नीचे वाले कक्ष, जिसे कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर, को बनाती है। द्वार कोशिकाओं में अनुप्रस्थ स्थूलन पाया जाता है, ट्रांसवर्स थिकनिंग पाई जाती है, जो कि डायग्राम स्पष्ट है। ये देखिए ये एपिडर्मिस है, सबसे पहले एपिडर्मिस बना देते हैं। ये एपिडर्मिस है, देखिए ये एपिडर्मिस है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। अब इसमें खांचों में स्थित रंध्र पाए जाते हैं, ये खांच है, यहाँ रंध्र पाया जाता है, यहाँ पे स्टोमेटा होगा, यहाँ पर स्टोमेटा होगा, ये देखिए ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा को हम बड़ा करके इधर दिखाते हैं, तो ये इस तरह से ये सहायक कोशिका होती है और नीचे ये गार्ड सेल होती है, इस तरह से। यहाँ पे जो चैम्बर है, यहाँ पे जो चैम्बर है, इसे कहते हैं एपी स्टोमेटल चैम्बर,
ये तो है सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिकाएं, एसएससी सेल भी कहते हैं। और ये नीचे वाली जो कोशिकाएं, इसे कहते हैं गार्ड सेल। इसके बीच का जो स्थान है इसे कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर, ये वाला जो स्थान है सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। इस प्रकार के जो स्टोमेटा हैं, ये जो स्टोमेटा हैं ये होते हैं सनकेन प्रकार के, सनकेन स्टोमेटा, सनकेन टाइप के होते हैं, सनकेन स्टोमेटा कहलाते हैं। यानी स्टोमेटा गड्ढे में पाया जाए, यहाँ पर है इस तरह से धसे हुए रहते हैं। यह एक मरुद्भिदि लक्षण है, सनकेन स्टोमेटा का पाया जाना इक्विसिटम का एक मरुद्भिदि लक्षण है, जिसे हम कहते हैं जीरोफिटिक करेक्टर। और इसका बाह्य भाग थिक क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है। ये थिक क्यूटिकल है, देखिए ये क्यूटिकल दिखाई दे रही है, ये क्यूटिकल है, यहां पर ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है। इस क्यूटिकल के ऊपर सिलिका का जमाव पाया जाता है, सिलिका, इसलिए तना खुरदरा होता है, तना खुरदरा होता है। और पुराने समय में बर्तनों को धोने में काम लिया, बर्तनों को मांजने में काम में लिया जाता था, बर्तनों को मांजने में काम में लिया जाता था पुराने समय में। इसलिए तना कैसा है, अपघर्षी प्रकार का है, तना अपघर्षी, अंग्रेजी में कहते हैं एब्रेसिव, ए बी आर एस आई वी, तना अपघर्षी प्रकार का होता है, खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता है, खुरदरा होता है। ये क्यूटिकल की परत है, इस पर ऐसे क्यूटिकल पाए जाते हैं। क्यूटिकल का पाया जाना मरुद्भिदि लक्षण है, क्यूटिकल का पाया जाना मरुद्भिदि लक्षण है, ये इस तरह से। तो ये हुआ क्यूटिकल, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्यूटिकल। और ये कहलाता है हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस वाले सेल्स हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मिस, और थिक वॉल्ड कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए कहते हैं अस्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, अस्क्लेरन काइमा की बनी होती है, अस्क्लेरन काइमेटस। अस्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस उभारों के नीचे मोटी होती है, और खांचों में इसके एक या दो स्तरी पाए जाते हैं, लेकिन उभारों के नीचे इसके तीन चार स्तर पाए जाते हैं। यानी उभारों के नीचे ये मोटी होती है और खांचों के नीचे संकड़ी होती है। यह पूरे वायवीय पर्वों को दृढ़कत शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे, हिले डुले नहीं, गिरे नहीं नीचे जमीन पर, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फिर इसके नीचे क्लोरेन काइमा नामक टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पहली सेल टिश्यू, ये पहली सेल टिश्यू है, ये देखिए
ये पहली सेल टिश्यू है, ये वाला टिश्यू है पहली सेल टिश्यू, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इलोंगेटेड सेल्स हैं और इसके परिधीय भाग में हरित लवक पाए जाते हैं, और यह भाग जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और समय भोजन निर्मित करता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषी नहीं होती है। इनकी पत्तियां जो है इक्विस्टेटम की जो पर्ण है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करेगी, इसलिए यह कार्य कौन करेगा? तना करेगा। तो तने में ये उत्तक जो है प्रकाश संश्लेषी उत्तक है, एक प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है और यह भोजन निर्मित करता है। और गैसीय आदान प्रदान यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा, यहाँ से CO2 इसको मिलेगी और यह इससे संपर्क में रहता है, और यह पूरा का पूरा भाग जो है कलरोनिकाइमेटस है। इसके वलकुट में बड़े बड़े अवकाश पाए जाते हैं, बड़े बड़े खाली स्थान पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गुहिकाएं कहते हैं, उसे कहते हैं वेलिकुलर गुहिकाएं या वेलिकुलर कैनाल। तो वेलिकुलर कैनाल वलकुट में पाई जाती है, वेलिकुलर कैनाल वलकुट में पाई जाती है, वो इन खांचों के नीचे पाई जाती है। जो खांच है, जैसे ये खांच है, देखिए यहाँ पे ये वेलिकुलर कैनाल उपस्थित है, ये खांच है, ये वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है, ये खांच है, ये वेलिकुलर कैनाल है। इस तरह से इन्हें हम कहते हैं वेलिकुलर कैनाल। वेलिकुलर कैनाल का पाया जाना इक्विस्टेटम का एक विचित्र लक्षण है, यह एक यूनिक करैक्टर है और किसी अन्य वंश में नहीं पाया जाता। वेलिकुलर कैनाल है और यह बाकी का जो वलकुट है यह थिन वॉल्ड होता है, पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स होता है, ये कोर्टेक्स ये थिन वॉल्ड है और इसके बीच बीच में ये वेलिकुलर कैनाल उपस्थित है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स को हम एंडोडर्मिस कहते हैं, उसके पश्चात कॉर्टेक्स खत्म हो जाएगा। इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस आएगी अब इसके बाद। ये देखिए ये एंडोडर्मिस है, ये देखिए ये एंडोडर्मिस है, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद जो अस्तर आता है उसका नाम है पेरिसाइकल और परिरंभ, पेरिसाइकल और परिरंभ, तो ये पेरिसाइकल है।
ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल पी ई आर आई सी वाई सी एल ई पेरिसाइकल, पेरिसाइकल और परिरंभ। अर्थात यहां से क्या हुई, रंभ की शुरुआत हो गई। रंभ क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टील, वो वाली स्टील नहीं है जो घरों में काम में लेते हैं, स्टील के बर्तन वाली नहीं, स्टील ये कहलाता है। उच्च पादपों में इसे कहते हैं वेस्कुलर सिलेंडर, लेकिन टेरिडोफाइटा के केस में कहते हैं इसे स्टील। स्टील का मतलब यह है, स्टील का फॉर्मूला यह है कि स्टील इक्वल टू पेरिसाइकल प्लस फ्लोयम प्लस जाइलम प्लस पित्त यदि उपस्थित हैं तो। पिछले मेरा एक व्याख्यान हो चुका है, पूरा स्टील के ऊपर व्याख्यान दिया था, स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। तो स्टील ये शुरुआत हो गई स्टील के, इस स्टील का सबसे बाहरी भाग जो है पेरिसाइकल है, यह रंभ को सुरक्षित करता है। पेरिसाइकल के पश्चात इसमें छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं और वो वेस्कुलर बंडल जो हैं वो उभारों के नीचे पाए जाएंगे। उभार, ये देखिए उभार, ये उभार है, अर्थात वेस्कुलर बंडल और वेलिकुलर केनाल एकांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं, एकांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये वेलिकुलर केनाल है तो दो वेलिकुलर केनाल के बीच में वेस्कुलर बंडल आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं उभारों के नीचे जितने उभार होंगे उतने ही वेस्कुलर बंडल होंगे, जितनी खांच होगी उतने ही वेलिकुलर केनाल होगी। द नंबर ऑफ वेलिकुलर केनाल इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रूव्स, द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल इक्वल टू द नंबर ऑफ रिजेस, जिसे हम कहते हैं उभार, रिजेस। तो देखिए ये इसका वेस्कुलर बंडल है, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल, केंद्र में पित्त पाई जाती है, इसके केंद्र में पित्त पाई जाती है, ये पित्त है, इसके केंद्र में पित्त पाई जाती है, पित्त। यहां पर एक कैविटी होती है, ये देखिए कैविटी दिखाई दे रही है, ये कैविटी है, ये कैविटी पाई जाती है वेस्कुलर बंडल के केंद्रीय भाग में नीचे की तरफ। इस कैविटी को कैरिनल केनाल कहते हैं, इस कैविटी को क्या कहते हैं, कैरिनल केनाल। तो मैं इस फिगर को मैग्नीफाइड करके इधर बना रहा हूँ, हाईलाइट करके बड़ा करके, ये देखिए ये डायग्राम बड़ा करके दिखा रहा हूँ इधर की तरफ, ये देखिए इस तरह का डायग्राम है, ये कैरिनल केनाल है और यहाँ पर ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलमों के बीच में, दो जाइलमों के बीच में फ्लोयम पाया जाता है, फ्लोयम, ये फ्लोयम है,
फ्लोएम मुतलक पा जाता है जाइलमों के बीच में। ये देखिए, ये तो हुआ फ्लोएम और ये हुआ जाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और ये है कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल। जिसका एक वेस्कुलर मंडल है, वेस्कुलर मंडल का डायग्राम है, सिंगल वेस्कुलर मंडल। इस फिगर में ये बड़ा करके फिगर दिखाया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि जाइलम दो भागों में विभेदित है, एक का नाम है प्रोटोजाइलम और दूसरे का नाम है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम बाहर की तरफ पाया जाता है इस डायग्राम में, परिधि की तरफ मेटाजाइलम है, और केंद्र की ओर निर्देशित प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम केंद्रीय भाग की ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को एंडार कहते हैं, एंडार किसे कहते हैं, जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्रीय भाग की ओर पाया जाता है जबकि मेटाजाइलम बाहरी भाग की ओर पाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को एंडार्क कहते हैं। तो यहां पर किस प्रकार का वेस्कुलर बंडल है, एंडार्क। तो ये एंडार्क हम लिखेंगे यहां पे कि ये एंडार्क प्रकार का है। ये हो गया एंडार्क, यहां लिख देता हूं मैं एंडार्क। पहला पॉइंट आया एंडार्क, एंडार्क। हिंदी में बता दूंगा मैं, लेकिन आपको हिंदी में याद करने में मुश्किलें आएगी, अंग्रेजी में याद करेंगे तो आसानी होगी, इसलिए आपको अंग्रेजी में ही याद करना है एंडार्क। हिंदी में कहते हैं अंतदारु। अब क्या दारु क्या आ गया, ये दारु क्या चीज है, दारु को कहते हैं जाइलम। तो इसलिए आपको इंग्लिश में ही इसको एक आदत बनाओ कि इंग्लिश में ही याद करें। जब आप हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है ब्रैकेट के अंदर, तो आप उस हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, आप जो ब्रैकेट में जो कोष्टक में लिखा गया है इंग्लिश का शब्द उस पे ध्यान दीजिए, तो आप जो है उसको देखो ही मत, आप सीधा डायरेक्ट इंग्लिश को लिखो। क्या लिखा है, ये एंडार्क, एंडार्क को पढ़ो। जाइलम लिखा है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम को लिखो। प्रोटो लिखा प्रोटो, इसलिए मेरे लेबलिंग सारे इंग्लिश में करिए, आप उसको इग्नोर कर दो, जो शब्द लिखा हुआ हिंदी में उसका पढ़ो ही मत, आप इंग्लिश में ही पढ़ो। धीरे 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 आपको एक हैबिट हो जाएगी और आपको मुश्किलें खत्म हो जाएगी। आपने देखा कि यहां पे जाइलम, देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, प्रोटोजाइलम केंद्रीय भाग की ओर है और प्रोटोजाइलम धीरे 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 नष्ट होता जाता है। जैसे परो छोटा होता है तो प्रोटोजाइलम काफी मात्रा में रहता है, जैसे परो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो प्रोटोजाइलम धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के उपरांत या नष्ट होने के दौरान एक गुहिका उत्पन्न होती है, उसी गुहिका का नाम है कैरिनल कैनाल। ये कैरिनल कैनाल कैसे बनती है, प्रोटोजाइलम के टूटने से बनती है। तो प्रोटोजाइलम टूट रहा है और क्या बन रही है, कैरिनल कैनाल बन रही है। तो कैरिनल कैनाल एवं वेलिकुलर कैनाल का पाया जाना इक्विसिस्टम की विशेषता है। यह आगे कंपटीशन में पूछा जाता है प्रश्न, आगे जब आप, अभी तो आप बीएससी में पढ़ रहे हो, जब आप आगे आप एमएससी करेंगे, एमएससी के पश्चात जब एग्जाम दोगे नेट का लाइफ साइंस, तो उसमें क्वेश्चन आ चुका है वेलिकुलर कैनाल एवं कैरिनल कैनाल किसमें पाई जाती है, उसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मेंजीफेरा, टेमेरिंडस।
तो क्या आंसर आएगा? 21 एटम। तो आपने देखा इसमें जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम और फ्लोयम, इसके जो वेस्कुलर बंडल हैं ये कौन जॉइंट है, ये देखिए कौन जॉइंट पास पास में कोलेटरल है, तो एक टर्म और आता है कंजॉइंट, इसे हम कहते हैं कंजॉइंट, कंजॉइंट एंड कोलेटरल। इसके वेस्कुलर बंडल किस प्रकार के होते हैं? एंडार्क, कंजॉइंट एंड कोलेटरल प्रकार के होते हैं। एंडार्क का मैंने आपको बता दिया, कॉन्जॉइंट का मतलब है कि ये आपस में जॉइंटेड है, ये पास पास में है, और कोलेटरल मतलब एक दूसरे के विपरीत है, फ्लोयम भी है जाइलम भी है कोलेटरल। इसी प्रकार के वेस्कुलर बंडल हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे ही वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। चूंकि इसमें कैम्बियम का अभाव होता है, कैम्बियम आप ऐदा ऐदा करते हैं उसके, कैम्बियम का अभाव रहता है इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। इसलिए टेरिडोफाइटा में किसी में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। कुछ जीवित वंश हैं उनमें पाई जाती है, जैसे बोट्रिकियम और आइसोटिस, उनमें पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ, बाकी किसी में भी नहीं पाई जाती है। और जब वनस्पति ने देखा, बोटेंस देखा कि जब जीवाक्ष में पादप है उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी, लेकिन इनमें नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें कैम्बियम का अभाव होता है, कैम्बियम नहीं पाई जाती इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। तो ये एंडार्क, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ये कैरिनल कैनाल हुआ। अब आप देखिए इसमें जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो है तीन भागों में बटा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बाहरी इसे कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स हुआ। इसको तीन भागों में बांटा है तो ये आउटर कॉर्टेक्स को ही ले लेते हैं अपन, ये आउटर कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स जो दृढ़ोतक कोशिकाओं का बना होता है, और ये कॉर्टेक्स हो गया मिडल कॉर्टेक्स जो कि कलोरेन काइमेटस टिश्यू का बना होता है, और ये हो गया इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स हो गया ये इनर कॉर्टेक्स, यह पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, थिन वॉल्ड उसे कहते हैं मृदुतकी कोशिकाएं, मृदुतक का बना होता है, और इसी में ही ये कैनाल पाई जाती है वेलिकुलर कैनाल। ये तो आपने देखा कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स थिक वॉल्ड एस्क्लेरेनकाइमा नामक टिश्यू का बना होता है, और ये मिडल कॉर्टेक्स हो गया कलोरेन काइमा जो खंभीय उत्तक का बना होता है, पेरिसेल टिश्यू का बना होता है, और ये इनर कॉर्टेक्स हो गया पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, इसमें वेलिकुलर कैनाल। इसके बाद आती है एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद ये स्टील आ जाती है पित्त बीच में। अब एंडोडर्मिस जो है, अगर इसकी एंडोडर्मिस देखें तो अलग अलग जातियों में एंडोडर्मिस की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। इक्विसिटम आर्वेंस यहां लिख देता हूं मैं, इक्विसिटम आर्वेंस ये देखिए ये एक जाति है, इक्विसिटम आर्वेंस, और अधिकांश जातियों में इक्विसिटम आर्वेंस और अधिकांश जातियों में एंडोडर्मिस की एक ही परत पाई जाती है, इक्विसिटम आर्वेंस और अधिकांश जातियों में एंडोडर्मिस की केवल एक ही परत पाई जाती है। ओके, नोट कर लिया ना, ये रहा इक्विसिटम आर्वेंस। जबकि इक्विसिटम डिबायल में
इक्विसिटम डिबायल, एक जाति है इक्विसिटम डिबायल। इस जाति में एंडोडर्मिस की दो परतें पाई जाती हैं, है ना विचित्र, एंडोडर्मिस की दो परतें पाई जाती हैं। किस प्रकार संभव है? एक परत बाहर की तरफ पाई जाती है, जैसे कि ये रही, एक परत बाहर की ओर पाई जाती है, लेकिन एक परत अंदर की ओर भी पाई जाती है। जैसे देखिए मैं चित्र में इसको बना रहा हूं, यहां पे एंडोडर्मिस ब्लू कलर में बनाई थी, ब्लू कलर में नजर आ रही है एंडोडर्मिस, यही परत एक और होगी किसमें, डिबायल में, नाम से बोला डिबायल, डबल डबल लेड एंडोडर्मिस। तो देखिए ब्लू कलर में बनाते हैं, ये देखिए ये एंडोडर्मिस है, ये रही एंडोडर्मिस। हुई ना डबल, अब ये इक्विसिटम डिबायल बन गया, पहले इक्विसिटम आर्मेंस था, अब ये डिबायल में कन्वर्ट हो गया चित्र। तो क्या बताया, इक्विसिटम डिबायल में एंडोडर्मिस की दो परतें पाई जाती है, एक बाहर की ओर होती है उसे आउटर एंडोडर्मिस कहते हैं, जबकि एक अंदर की ओर पाई जाती है उसे इनर एंडोडर्मिस कहते हैं। ओके, एक तीसरी जाती है, उसमें देखिए कैसी होती है एंडोडर्मिस, और वो किसमें पाई जाती है, इक्विसिटम जाइजेंटियम के अंदर, इक्विसिटम जाइजेंटियम, इक्विसिटम जाइजेंटियम। यह आ गया इक्विसिटम जाइजेंटियम, इक्विसिटम जाइजेंटियम, नाम ये पता लग रहा है कि जाइजेंटियम मतलब बड़ी जाति है, ये इक्विसिटम की सबसे बड़ी जाति है, इसकी ऊंचाई 13 मीटर तक होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया जाइजेंटियम। वैसे तो हाइट जो इक्विसिटम की वो 2 मीटर तक होती है, 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई 13 मीटर तक है, इसलिए नाम रख दिया जाइजेंटियम। इस जाति में ये जो हाइपोडर्मिस है ये खूब मोटी होती है, क्योंकि 13 मीटर है तो उसका सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए ना, यांत्रिक शक्ति, इसलिए इसमें दृढ़ की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तने में दृढ़ उत्तक की मात्रा यानी स्केलेन काइमा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इक्विसिटम जाइजेंटियम में एंडोडर्मिस किस प्रकार की होती है, इसमें एंडोडर्मिस हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है, हर एक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एंडोडर्मिस पाई जाती है। देखिए चित्र में जो नीले कलर में दिखाया गया है, अब डिबाइल का बना हुआ था ना, उस नीले कलर को हटाकर डिबाइल को हम कन्वर्ट करते हैं जाइजेंटियम के अंदर, यह जाइजेंटियम में कन्वर्ट किया, ये एंडोडर्मिस थी, ये मैंने हटा दिया इसको, ये देखिए एंडोडर्मिस आ रहा ना, ये नीले कलर में लेबलिंग है, इसको मैंने हटा दिया यहां से, ये हटा दिया यहां से, अब एंडोडर्मिस नहीं है, अंदर से भी हटा दिया, ये हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एंडोडर्मिस परत का निर्माण करेंगे, अर्थात ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई एंडोडर्मिस, इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। तो ये पेरिसाइकिल भी हट जाएगी इसमें, पेरिसाइकिल बाद में आएगी, इसके बाद में आती है पेरिसाइकिल हट जाएगी, ये आ गया एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये भी एंडोडर्मिस, ये भी एंडोडर्मिस, ये भी एंडोडर्मिस, इस तरह से, और ये हो गई एंडोडर्मिस। इसके बाद इसमें पेरिसाइकिल आती है, ये पेरिसाइकिल हो गई,
और ये वैस्कुलर बंडल आ गया। यहाँ देखिए जैसे इसमें दिखाया गया क्लियर, ये तो एंडोडर्मिस हो गई, ये वाली तो दिखाई दे रहा है, ये हो गई एंडोडर्मिस, और इसके ठीक नीचे पेरिसाइकल है, ये वाइट कलर की है ना, ये पेरिसाइकल है, ये पेरिसाइकल आ गई। इसके बाद ये जाइलम फ्लोइम आ गया। जाइलम का आकार वी आकार का होता है, वी शेप्ड होता है, ये जाइलम आ गया, और ये कैरिनल केनाल आ गई, ये यहाँ पे कैरिनल केनाल आ गई, ये वाले। ओके क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में तो ये एंडोडर्मिस है, तो आप देखिए एंडोडर्मिस हर एक के चारों ओर हैं, यानी ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। पहले तो कॉमन थी, पहले तो हमने आर्वेंस में तो कॉमन देखी थी, चारों तरफ एक ही होती है, जो कि अधिकांश वंशों में पाई जाती है, अधिकांश जातियों में पाई जाती है, वंशों नहीं अधिकांश जातियों में पाई जाती है, लेकिन डिबाइल के अंदर एक बाहर थी और एक अंदर थी, लेकिन इसमें विचित्र प्रकार का है एंडोडर्मिस, हर एक के चारों तरफ अपना अपना, हर एक अलग अलग हो गए, अपना अपना बना लिया सबने, तो ये स्थिति किसमें पाई जाती है, इक्विसिटम जाइजेंटी में, जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब आप फिगर बना लीजिए, इसका फिगर सबने बना लिया, तो इस प्रकार ये तने के वायवीय पर्व यानी इंटरनोड का सेक्शन कटिंग है, इंटरनोड से अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो ये उसके संरचना का है डायग्राम। अब जैसे ही हम भूमिगत तने के राइजोम की बात करते हैं, प्रकंद जिसे हम कहते हैं प्रकंद, तो प्रकंद राइजोम और टीएस ऑफ इंटरनोड दोनों की संरचना एक जैसी है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन कुछ अंतर पाए जाते हैं। क्या अंतर होता है, जैसे देखिए मैं इसके अंदर राइजोम में ये गुहिकाएं छोटी होती है, ये बड़ी बड़ी है ना, ये गुहिकाएं इसमें छोटी होती है, पहला अंतर तो ये है। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे कैसे डायग्राम बनाओ और ये छोटा कर दो, क्या बन जाएगा, राइजोम का टीएस। सबसे बड़ा अंतर क्या है, जिसमें आपको एक चीज इसमें से साफ करनी पड़ेगी, मैं जैसे ही इसको मिटाऊंगा तो ये ही डायग्राम, सेम डायग्राम किसमें बदल जाएगा, राइजोम में बदल जाएगा। क्या चीज हटाएंगे, सीधी सी बात है कि परकंद यानी उसे नाम दे रहे अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन में दबा हुआ तना, उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषी उत्तक भी नहीं होगा, अर्थात वो भोजन का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि जमीन के अंदर है, तो जमीन के अंदर होने से उसे भूमिगत तना नाम दे रहे हैं, और उसको उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो क्लोरोप्लास्ट कौन सी लेयर में, इसमें, तो ये ज्वाला जो मिडल कॉर्टेक्स है जो कि बना होता है पहली से टिश्यू, तो राइजोम में पहले से टिश्यू का पूर्ण रूप से अभाव होता है, हो गया राइजोम। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये लीजिए, ये बन गया परकंद, ये लीजिए, ये डायग्राम है प्रकंद का, टीएस ऑफ राइजोम, टीएस ऑफ राइजोम, राइजोम की अनुप्रस्थ काट। सबसे पहले क्या बताया था, प्रकंद भी पर्व की तरह ही दिखाई देता है, परंतु दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला अंतर, इसमें वेलिकुलर केनाल व कैरिनल केनाल इंटरनोड स्टेम के तुलना में छोटे होते हैं, इंटरनोड स्टेम की तुलना में छोटे होते हैं, पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर आप नोट करेंगे,
प्रकंद में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र नहीं पाया जाता, प्रकंद में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र नहीं पाया जाता। नोट कर लिया, ये दो अंतर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि वायव्य पर्वों में जलोद्भिदी लक्षण पाए जाते हैं एवं मरुद्भिदी लक्षण पाए जाते हैं। तो वायव्य पर्वों में मरुद्भिदी लक्षण, पहला पॉइंट नोट करोगे, वायव्य पर्वों में मरुद्भिदी लक्षण, पहला लक्षण है थिक क्यूटिकल का पाया जाना। पहला क्या है? थिक क्यूटिकल का पाया जाना, नोट कर लो, थिक क्यूटिकल का पाया जाना। ये क्या है? जीरो फिटिक करेक्टर बता रहा हूं, वायव्य पर्वों में मरुद्भिदी लक्षणों का पाया जाना। पहला थिक क्यूटिकल का पाया जाना। सेकंड, सन कैन एस्टोमेटा का पाया जाना। सन कैन एस्टोमेटा भी लिखा था मैंने, सन कैन एस्टोमेटा, एस यू एन के ई एन, सन कैन एस्टोमेटा का पाया जाना, ठीक है। तीसरा, यांत्रिक उत्तकों का पाया जाना। यांत्रिक उत्तक कौन है? अस्क्लेरेनकाइमेटस, अस्क्लेरेनकाइमेटस, यांत्रिक उत्तकों का पाया जाना। कितने हो गए? तीन हो गए। फोर्थ लिखो, तने में उभार व खांचों का पाया जाना। तने में उभारों व खांचों का पाया जाना, ये भी एक जीरो फिटिक करेक्टर है। तने में उभारों व खांचों का पाया जाना, तने में उभारों व खांचों का पाया जाना। पत्तियां सूक्ष्म, नेक्स्ट है पत्तियां सूक्ष्म, पत्तियां सूक्ष्म होती है, पत्तियां सूक्ष्म होती है, इसलिए तना हरा होकर, तना हरा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियां तो सूक्ष्म है इसलिए तना हरा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तुमने देखा होगा नागफनी के अंदर, नागफनी में क्या होता है? उसकी पत्तियां तो कांटों में बदल जाती है लेकिन तना जो है पत्ती की तरह काम करता है, तना पत्ती की तरह काम करता है। ये भी तो ये हो रहा है, इसकी पत्तियां तो सूक्ष्म हो गई, वो किसी काम की नहीं है, वो भोजन बन नहीं बनाती है, तो भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है? परो। अब लिखिए जलोद्भिदी लक्षण, वायव्य परो में जलोद्भिदी लक्षण, हाइड्रोफिटिक करेक्टर इन स्टेम, इन एरियल स्टेम, वायव्य परो में जलोद्भिदी लक्षण। पहला है वेलिकुलर कैनाल, वेलिकुलर कैनाल व कैरिनल कैनाल्स का पाया जाना, वेलिकुलर कैनाल्स व कैरिनल कैनाल्स का पाया जाना, ये हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। पित्त की उपस्थिति, पित्त का पाया जाना, ये भी हाइड्रोफिटिक करेक्टर है। पित्त की उपस्थिति, ये भी क्या है? हाइड्रोफिटिक करेक्टर। फिगर बना लिया सबने? ये राइजोम का टीएस है। तो आज हमने वायव्य पर्रो कि आंतरिक संरचना में इंटरनोड की आंतरिक संरचना और राइजोम की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।